तो तुम्हें वहाँ पे जाना है। अगर कुंवर जी नहीं जाते तो मैं और सुरेश भाई और कुंवर जी अपना चैनल यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे या फिर सोशल साइट छोड़ देंगे, ठीक है। अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हें अपना सोशल साइट छोड़ना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे जाने वाले, मेरे भाई, मेरी बहने, जहाँ जहाँ तक वॉच पहुँच रही है उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे मैं पड़ोसी मुल्क बिखारिस्तान के एक भिखारी की मैं बात करने वाला हूँ, जो कि ना जाने कितने पैसे कमाने के लिए उसने इंडिया वालों को चैलेंज पे चैलेंज देता रहता है, इसलिए मैंने इसका नया नाम सोचा है चैलेंजर बॉय, सॉरी चैलेंजर गर्ल। अब गर्ल के कह रहा हूँ क्योंकि इसकी फ़ोटो देखिए और देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये इस लंबे लंबे बाल जो है ना उस पर अच्छे नहीं लगते, ये सिर्फ दो लोगों पे अच्छे लगते हैं, एक स्मार्ट दूसरा छक्को। स्मार्ट तो ये है नहीं, दूसरे पे मुझे थोड़ा डाउट है। तो खैर इन सब बातों को मैं साइड रखने रखता हूँ। अब चैलेंजर मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि इसको चैलेंज देकर पैसे कमाने की आदत हो गई है, ये हमारे इंडिया वालों को चैलेंज देता रहता है। कि अगर आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए तो आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा कैसा चैलेंज देता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है अभी जनवरी की माह में इसने एक चैलेंज लाया था उपदेश राणा के लिए, उपदेश राणा को इसने एक चैलेंज दिया था जिसने इसने उपदेश राणा को दुबई बुलाया था, तो उपदेश राणा ने दुबई गया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इसने FIR करवा दिया था। तो इसने FIR क्यों करवाया था, क्योंकि इसकी फटके चार हो गई थी और उम्मीद है आप समझ सकते हो उपदेश राणा जैसे लोग और ये इसकी क्या औकात उपदेश राणा के बगल में खड़े रहने की। अब जितने उस उपदेश राणा के बॉडीगार्ड वगैरह चपरासी उसकी जितनी सैलरी होगी ना उतने तो तेरी पाकिस्तान की सालों की बजट होगी, तो इसलिए तेरी और इंडिया वालों को मुकाबला करने के बराबर नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों भी मैं इन सब बातों को साइड में रखता हूँ, अब आता हूँ मेन टॉपिक पे। दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक है हैंडसम नवीद ने अभी हाल में ही एक चैलेंज दिया था हमारे पांच बंदों को। पांच बंदे कौन कौन से हैं, मयंक भाई, उपदेश राणा जी, दीपक, कुंवर जी। तो जिसमें से कुंवर जी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपना डेट समय वगैरह फिक्स करके उन्होंने बोला कि 10 तारीख को आम कंट्री में सूरज उगने से पहले और डूबने तक वो वहीं पे रहेंगे, तो तुम्हें वहाँ पे जाना है। अगर कुंवर जी नहीं जाते तो मैं और सुरेश भाई और कुंवर जी अपना चैनल यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे या फिर सोशल साइट छोड़ देंगे, ठीक है। अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हें अपना सोशल साइट छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो फिर अब तुझे तकलीफ होना पड़ेगा, तेरा अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। तुझे अगर मंजूर है तो हाँ कर देना, नहीं तो फिर नापुंसक कहलाना, नामर्द कहलाना। देखता हूँ तू जाता है या नहीं जाता है, फिर वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। और जैसा भी होगा दोस्तों आप लोगों का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस 10 तारीख का लाइव स्ट्रीम अब मैं अपने चैनल पर दिखाऊँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं लाइव दिखाऊँगा, आप लोग वो मत सोचिएगा मैं फेक कह रहा हूँ। तो 10 तारीख को आवाम का लाइव स्ट्रीम यहाँ पर चलेगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगा यह लाइव स्ट्रीम दिखाने की। दोनों जगह अब मेरी लाइव स्ट्रीम चलती रहेंगी तो आप लोग जुड़ जाइएगा, तो जहाँ जहाँ आपको मौका मिले वहाँ पर वहाँ जुड़ जाइएगा। मैं फेसबुक वगैरह नहीं चलाता हूँ, बस इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैंने आज तक कभी आप लोगों से ज़्यादा फॉलो करने को नहीं बोलता हूँ। और हाँ, और तेरी ये जो डायलॉग है ना कि अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, पहले तो मैं बता दूँ लालत है तेरे मुँह पे। पाकिस्तान वाले तो तुझे गालियाँ देते हैं, हम इंडिया वाले तो देख ही रहा है क्या बोले, तो तेरे चाहने वाला है कौन, कौन है तेरा चाहने वाला। खैर तू तेरे चाहने वाली भी कुछ चूतिया होंगे तो उन सबको मैं साइड में रखता हूँ, अब वो अपने अपने शौक है, किसी को चूतिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि आजकल चूतिए ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। अब तो बात ख़त्म करते हैं यहीं पे, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।